हेलो फ्रेंड, एक नया वीडियो लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। ये वीडियो आप लोग को बहुत दिनों के बाद मिल रहा है, तो मेरा आवाज़ में फिर से कुछ डिफेक्टिव आ गया था जिसके कारण आप लोगों के बीच वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो ये वीडियो आप लोग को बिहार इंटर लेवल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग का मैथ का पेपर है, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक से आप लोग को बताने की कोशिश किया है। तो ये वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बड़ा यूट्यूबर से तो सभी पढ़ते हैं लेकिन छोटा यूट्यूबर जो दे देता है आपको बड़ा यूट्यूबर कभी नहीं दे सकता है। तो चलिए एक कोशिश आप लोग को कि आप लोग इसी तरह का क्वेश्चन आने वाला है और इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन उठा कर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसा ही आता है। तो आज आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको बीच है, देखिए 29 को 29/1/17 को ये 17 को ये एग्जाम हुआ था, उसी को मैंने आज मैथ का क्वेश्चन लेकर उपस्थित है। ये पहला क्वेश्चन आपको बीच है कि 48 108 और 140 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात करें। देखिए कैसे इसको हम लोग एचसीएफ हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए सभी में लास्ट वाला जो है सम संख्या है, सम संख्या है, तो एचसीएफ भी जो आएगा वो सम संख्या ही आएगा, इतना कंफर्म हम लोग हो गए। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो 48 108 और 140 को यहाँ पर लिख देंगे। अब ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे जो हमारे लिए आसान हो। तो हम जानते हैं कि 16 × 3 = 48 होता है, तो 16 2 × 4 लिखेंगे, 1 2 3 और 4, तो देखिए 16 हो गया, अब गुने हम लोग 3 कर देंगे, छोटा कर देंगे तो हम लोग को गुना करने में आसान हो जाएगा। ये देखिए 108 है, तो हम लोग जानते हैं कि 27 × 4 होता है आपको 108, तो 27 को हम लोग जानते हैं कि 3 3 होता है, 3 3 होता है, और 4 × 2 × 2 लिख सकते हैं। उसी तरह इस देखिए 140, अब आप लोग मुझबानी करेंगे कि 140 होता है जो 14 × 10 होता है, पूरा पूरा लिख दीजिए, 7 × 2 और 5 × 2, देखिए कितना जल्दी हम लोग फैक्टर को तोड़ दिया। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि कौन कौन कॉमन है, जो कॉमन है उसको हम लोग ले लेंगे। देखिए 2 इसमें कॉमन है और 2 इसमें कॉमन है, आगे देखेंगे 2 इसमें कॉमन है, लेकिन इसमें 3 है इसमें 3 नहीं है और कोई कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन है उसको हम लोग आपस में गुना कर लेंगे, जो आपका आंसर आया यही एचसीएफ हुआ। तो इस तरीका से हम लोग एचसीएफ हम लोग ट्रिकी विधि से निकाल सकते हैं, और इससे भी आसान आप लोग को पेस्ट ट्रिक है तो हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। देखिए दूसरा प्रश्न लेकर उपस्थित है कि 12 × 1/2 को सरल करें, कैसे इसको हम लोग सरल करेंगे। तो देखिए 1/2 के मतलब होता है अंडर रूट, 1/2 के मतलब होता है अंडर रूट, और अंदर में चल जाएगा 12। यही आप लोग का जब आंसर में ये दिया रहेगा तो आप लोग बना सकते हैं, नहीं तो और सरल आप लोग को करना है। यहाँ पर देखिए 4 × 3 कर सकते हैं, और 4 जब रूट से बाहर निकलता है तो ये होता है 2, और नीचे बच गया अंदर बच गया 3, तो यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। तो कितना जल्दी से और कितना आसान आप लोगों के बीच बन रहा है। तो इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहिए और इसी तरह का आगे आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। चलिए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। जो अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है कि एक अंक जिसके 7 गुने से
15 घटाने पर उस अंक का दोगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है। तो अंक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान और बहुत जल्दी बनने वाला ये सवाल था। क्वेश्चन को आप लोग को समझ लेना है कि एक अंक जिसके साथ गुना, तो हमको अंक नहीं दिया रहेगा, तो हम जो अंक है अंक को हम लोग एक्स मानेंगे, अंक को हम लोग एक्स मानेंगे। अब क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि अंक का सात गुना में से 15 हम लोग हटाएंगे, तो कह रहा है अंक का दोगुने में 10 जोड़ने के बराबर आ जाता है, 10 अधिक प्राप्त होता है, मतलब कि 10 अधिक प्राप्त होता है। बस यही आप लोग का देखिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 7x-15 बराबर हो जाएगा 2x+10 हो गया। अब देखिए 7x-2x हमारा हो गया 5x बराबर, देखिए 10 इधर है इधर माइनस में है, तो बराबर उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो ये 15 हो गया, ये 5 हो गया, देखिए 5x बराबर हो गया 25, तो x बराबर हमारा आ गया 25/5। तो आप लोग जानते हैं कि 25/5 जो हो जाएगा वो 5 उत्तर हुआ था, जो अंक हमारा है वो 5 हो जाएगा। अब देखिए इसका, अब हम लोग इस पर बैठा कर देख लेंगे कि सही है कि, तो 5 गुना कह रहा है, तो 5 × 7 = 35 हो गया, 5 × 7 = 35 हो गया, यहाँ पर 5 × 7 = 35 हो गया, और में से 15 घटा देंगे तो बराबर कह रहा है कि 5 × 10 + 10, तो देखिए ये भी 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा, मतलब कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। जो अगला प्रश्न है आप लोग के बीच है कि आयु में बड़े राम और छोटे श्याम के आयु में 16 वर्ष का अंतर है, 6 वर्ष पहले राम श्याम से 3 गुना बड़ा था, तो राम की वर्तमान आयु क्या कीजिए। देखिए इसको कैसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि राम जो है श्याम से 16 वर्ष बड़ा है, 16 वर्ष का अंतर है दोनों का, देखिए अंतर है, और 6 वर्ष पहले तो हम लोग 6 वर्ष यहाँ पर देखिए 6 वर्ष पहले जो था 3:1 में था। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे आइए सीख लीजिए। तो राम के अगर हम लोग एक्स मानेंगे, तो श्याम को क्या मानेंगे, तो x-16 मानेंगे, दोनों में अंतर हम कर दिए। तो राम बड़ा है इसलिए एक्स माने, और श्याम छोटा है इसलिए x-16 माने। तो अब हम लोग को फॉर्मूला पर बैठा देना है। तो देखिए कह रहा है कि x/x-16 बराबर कब कह रहा है कि 6 वर्ष पहले, तो दोनों में से 6 घटा लीजिए और आपको कह रहे हैं अनुपात 1:3:1 हो जाएगा, बस इसी को हल कर देना है। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखिए x-यहाँ पर हम लोग हल करेंगे तो x-6 हो जाएगा, और देखिए x माइनस देखिए प्लस हो जाता है, तो 16 × 6 = 22 हो गया, अब बराबर हमको दिया है 3:1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को तिरछा तिरछी करना है, तो 1 में 6 इस ऊपर वाला से और 3 में नीचे वाला से गुना कर दीजिए, तो बच जाएगा हमारे पास x-6 = 3x-66, इतना आप लोग का आ गया। तो अब 3x-x करेंगे तो 2x पर हो गया, और देखिए 66 में से 6 - 66 प्लस चल जाएगा, तो हमारे पास 60 बच जाएगा, तो x बराबर जो हमारा आ गया, देखिए 2x = 60, तो x = 30, यही आप लोग का उत्तर होगा। राम का जो उम्र है, अब राम पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन के अनुसार राम की आयु पूछ रहा है, तो राम को हम लोग एक्स माने हैं, तो राम का उम्र हो जाएगा 30, और श्याम का पूछेगा तो 16 वर्ष घटा देंगे, 14 वर्ष श्याम का आ गया। तो जो पूछे उसका आप लोग को उत्तर दे देना है। तो इस तरीका से ये प्रश्न बनता है। फ्रेंड अगला जो क्वेश्चन है, टाइम एंड
वर्ग का है, इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए आज आपको बीच ट्रिकी विधि से दो मेथड से ये प्रश्न को आप लोग को हम बताएंगे। तो ए और बी एक कार्य को पूरा करने में 4 दिनों का समय लेता है, ए अकेला इस कार्य को 12 दिनों में करता है, तो बी उसे कितने दिनों में हल करता है। तो देखिए ये आप लोग कई मेथड से आप लोग बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो दो मेथड है आप लोग को आना चाहिए। तो कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर 4 दिनों में करता है और ए अकेला उस काम को 12 करता है, तो बी कितने दिनों में अकेला करेगा। तो देखिए इसको दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं। पहला मेथड आप लोग सीख लीजिए कि दोनों है 1/4, 1/4 है में से 1/12 को घटा लीजिए, बस आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए दोनों का एलसीएम होता है 12, और 12 में 4 से भाग दे दीजिए तो 3 आ गया, ऊपर से गुना कर दीजिए, ऊपर से कर दीजिए तो 3 - 1 2 होता है, 2/12 बराबर 6 दिन, 6 दिन आप लोग का उत्तर आ गया, 6 दिन उत्तर आप लोग को इस मेथड से आ गया। और भी आपको ट्रिकी मेथड से बता देते हैं, तो इसका होता है 1 × b a - b, तो आप लोग को जब दोनों दिया रहेगा तो यहाँ पर आप लोग को कर देना है 4 × 12 और 12 - 4 8 कर देना है, ऐसे आप लोग को हल कर देना है, तो देखिए यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 6 हो गया, तो ये 6 दिन आप लोग का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोनों मेथड बहुत ही ट्रिकी है, तो आप लोग इसको जरूर हल ऐसे ही हल कीजिएगा ताकि आप लोग को समय बचे और आप लोग एग्जाम को क्रैक कर सके। तो इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न, जो 6ठा प्रश्न है आप लोग के बीच के 5/6, 7/8, 11/12 और 3/10 में न्यूनतम भिन्न को पहचानना है। तो देखिए मुझबानी ये बनता है, ये मुझबानी आप लोग को कॉपी पेन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ देख लीजिए इसका अंतर 1, इसका अंतर 1, इसका अंतर 1, लेकिन इसका अंतर 7 है, तो अंतर आप लोग को सिर्फ निकाल देना है 1 में। अब जो अंतर आया 1 में भाग दीजिए, मतलब कि 1 रुपये में आप लोग को भाग देना है, 1 रुपये में 1 से भाग दीजिएगा तो 1/1 एक ही रह जाएगा, लेकिन ये 1/7 मान 1 रुपये में 7 आदमी को देना है, मतलब कि सबसे जो छोटा हो जाएगा वो 3/10 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग न्यूनतम निकाल कर इसका अंतर निकाल कर 100 पैसा से आप लोग को इसको अंतर कर देना है, बहुत ही जल्दी बनेगा, ये आप लोग कोशिश जरूर कीजिएगा, ऐसे ही इस प्रश्न को जल्दी हल कर सकते हैं। सातवा जो प्रश्न है कि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य 1 पुस्तकों का विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आइए ट्रिक विधि से भी ऊपर विधि से आप लोग को बीच बताते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य, 20 वस्तु जो है, 20 मान लीजिए पुस्तक का क्रय मूल्य जो है, वो x वस्तु का विक्रय मूल्य का बराबर है, विक्रय मूल्य के x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, इतना आप लोग क्वेश्चन के अनुसार दिया गया है। तो आप लोग इसी पर अब हल करना है, कह रहा है कि 25% लाभ हुआ तो 100 का 25%, मैंने प्रतिशत का आप लोग के भी वीडियो उपलब्ध कराया है, आप लोग वो जरूर देखिएगा। 100 का 25% 25 होता है तो 125 हो जाएगा। अब आप लोग को विक्रय मूल्य निकालना है, तो हमारा कितना जब विक्रय मूल्य था तो 20 है, हम लोग कितना निकालना है 100% विक्रय मूल्य निकालना है, तो मतलब कि हम लोग को 100% निकालना है, तो 100 निकालना है, दिया कितना है 125 रुपये के हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए अब हम लोग हल करेंगे, यहाँ से हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ से करेंगे तो 25 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से 25 4 हो जाएगा, तो 4 × 4 यहाँ पर हो जाएगा 16। तो आप लोग
समय लेकर इसको बढ़िया से समझिएगा और इसको देखिएगा कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 16 वस्तु का विक्रय मूल्य होगा तो 25% आपको लाभ होगा। तो इस तरीका से इस प्रश्न को भी हम लोग हल करने का तरीका सीख लिए हैं। तो बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। देखिए आठवां प्रश्न लेकर उपस्थित है कि 7500 प्लस पोस्ट में 1250/50 को हल करें। तो हम जानते हैं कि आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार दिया गया है तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 25 5 हमारा 125 होता है। तो 7500 में 25 जोड़ देना है तो 7500 हो जाएगा। तो ये ऐसे ही दे देता है आप लोग को आईक्यू चेक करने के लिए। तो आप लोग इसमें समय नहीं दें इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें और ये आप लोग को पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न यही प्रश्न हुआ, आप लोग बता देते हैं कि 7 का न्यूनतम गुणज जो 4 शेष भाग छोड़कर ठीक छोड़ दें तो 6, 9, 15 और 18 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान विधि है, आप लोग को हम आज बताएंगे तो कैसे इसको हम लोग हल करते हैं। तो कह रहा है कि 6, 9, 15 और 18 से विभाजित हो जाए। तो 6, 9, 15 और 18 का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो देखिए यहाँ 3 से हम लोग लेते हैं तो 2, 3 यहाँ पर आप लोग को 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। पुनः हम लोग 3 से लेंगे तो 2, 1, 5 और 2 हो जाएगा। पुनः हम लोग 2 से लेंगे तो नीचे 5 हो जाएगा। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो 9, 9 दूनी 18, 18 पचे 90 90 हो गया। अब कह रहा है कि हम लोग को 7 के गुणज चाहिए, 7 के गुणज चाहिए तो 90 7 के गुणज नहीं है। तो उसके हिसाब से आप लोग को ऑप्शन में देखना है कि कौन 7 का गुणज है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर 4 से गुणा कर दीजिए तो 9 चौके 36 आ जाएगा। जितना आया उसमें हम लोग जो 4 जो छोड़े थे शेष उसको हम लोग जोड़ देंगे तो 364 आ जाएगा। तो देखिए 364 जो है वो 7 का गुणज है, 7 से पूरे पूरे कट जाता है। तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार इसको इतना बनाना नहीं है तो डायरेक्ट ऑप्शन को चेक कर लीजिए कि कौन 7 से विभाजित होता है, उसका आंसर वो हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न लेकर उपस्थित है कि √2, √3, √4 और √6 का आरोही क्रम में लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग को सिर्फ तरीका आना चाहिए, बस आप लोग इसको आरोही क्रम में सजा सकते हैं। तो हमने 2 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बताया था कि रूट के मतलब होता है 1/2, तो इसको 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। और देखिए ये आगे जो होता है वो बट्टा में आ जाता है, बट्टा में आ जाता है और इसको लिख सकते हैं 6 के पावर 1/4। अब देखिए 2, 3 और 4 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, बस इसको 12 से हम लोग गुना कर देंगे। तो गुना यहाँ पर गुना कर देंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 2 के पावर 6 आ जाएगा, 4 के पावर 4 आ जाएगा और 6 के पावर 3 आ जाएगा। तो हम लोग इसको हल करेंगे तो 2 के पावर 6 बराबर होता है 64 और 4 के पावर 4 कैसे निकालिएगा तो 4 × 4 = 16 होता है और 16 × 16 = 256 होता है। तो इसका 256 हो जाएगा और 6 के पावर 3 तो 6 का 3 आपको याद रखना है कि 216 है। अब आप आरोही मतलब होता है कि छोटा से बड़ा की ओर, तो छोटा की से बड़ा की ओर कौन है तो सबसे छोटा है हमारे पास √2, तो √2 जो हो गया वो सबसे छोटा हो गया। उसके बाद बड़ा कौन है तो 216, 216 किसका है 4√6 का और उसके बाद क्या है तो 256 √3 इस तरीका से हम लोगों ने आरोही क्रम को सजा लिया। तो कैसा लगा हमारा वीडियो,
कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आवाज खराब है फिर भी आज आप लोग वीडियो देने का मन किया, इसीलिए आज आप लोग के बीच ये बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग को भी दिया। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इससे लाभ मिले, और अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।